Hello, everyone, welcome to my channel. That is my Receptor, and today we are going to discuss about one of the types of high pressure boilers that is called Benson boiler. Clear? To start with, we are going to discuss about this boiler. Clear? But before that, uh, talking about the person who basically invented it, this basically was uh, invented by a person named Mark Benson in 1922. Clear? And on the name of the person, who invented this boiler? This boiler was given a name of Benson boiler. Clear? So, which type of boiler it is and which category it basically lies? So, starting with, it is basically one of the types of high pressure boiler that we have. It is a high pressure boiler. Clear? With the operating pressure of around 230 bar. Okay? So,

द ला इज़ व लिमिटेशन ऑफ इट वो लिमिटेशन क्या थी कि हमको बेंसिन बॉयलर यूज करना पड़ा वो लिमिटेशन ये थी कि जब भी आप किसी ट्यूब के अंदर लेटर सपोज ये मेरी एक ट्यूब है जब भी आप ट्यूब के अंदर वाटर जो है आपने फिल करा हुआ है जब भी आप वाटर वाटर को हीट करोगे बाय गिविंग इट हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस जो कि ट्यूब के बाहर हैं इन केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर तो जब अंदर फॉर्मेशन होती है स्टीम की तो बबल फॉर्मेशन होती है तो ट्यूब के अंदर बबल्स बनने शुरू होते हैं तो अगर वही बबल्स आपके पास ट्यूब की जो सरफेस है वॉल का वहाँ बनना स्टार्ट हो क्लियर तो उससे क्या होता है जो आपकी ये बबल फॉर्मेशन होगी बिकॉज ऑफ दिस बबल फॉर्मेशन जो पोर्शन आपका बबल फॉर्मेशन के अंडर कवर होगा वहां से जो आपकी हीट ट्रांसफर की रेट टू द वाटर वो क्या कर जाएगी डिक्रीज कर जाएगी इट मीन बबल के पास से जो आपको बाहर से हीट जा रही है अंदर को वो नहीं प्रॉपर जा पाएगी उससे क्या होगा आपके वाटर को कम हीट जाएगी तो ऑब्वियसली उसका मेन एडवांटेज क्या होगा कि आपके पास जो आपकी स्टीम जनरेशन की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी क्लियर उसका स्टीम जनरेशन कैपेसिटी बोल लीजिए या फिर आप ये बोलिए कि आपके पास जो स्टीम जनरेशन का रेट है वो क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा इसी लिमिटेशन को अक्ट करने के लिए ओवरकम करने के लिए हमने क्या यूज किया है बेंसन ब्रॉयलर तो लिमिटेशन किसकी है दिस इज बेसिकली लिमिटेशन ऑफ लाम मोट बॉयलर दैट इज वाई वी कम अप विद द बॉयलर ये जो लिमिटेशन है ये में हम फेस नहीं करते हैं उसका रीजन क्या है उसका रीजन ये है कि की कुछ प्रॉपर्टीज हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि में हम लोग वाटर को करते ही नहीं है। no तो एक पहला ऐसा बॉयलर है जिसमें नो बॉइलिंग टेक प्लेस दूसरी जो पॉइंट है वो क्या है इस बॉयलर में हम लोग ड्रम को यूज नहीं करते हैं सो इट इज बेसिकली ड्रमलेस बॉयलर। क्योंकि ये ड्रमलेस बॉयलर है तो ऑब्वियसलीउंडी परसेंट रिडक्शन इन द वेट ऑफ द बॉयलर। क्योंकि ड्रम नहीं है तो ऑब्वियसली उसका वेट क्या होगा कम हो जाएगा रिडक्शन इन द बॉयलर ये क्या है एडवांटेजेस ऑफ दिस बॉयलर तो अगर आप इसमें वाटर को बॉयल नहीं कर रहे हो और ड्रम यूज नहीं कर रहे हैं तो आप वाटर से स्टीम को कन्वर्ट कैसे कर रहे हो उसके लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो क्या है क्रिटिकल पॉइंट क्लियर तो जो हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो क्या है कि हम जो वाटर सेंड कर रहे हैं इन टू द बॉयलर वो हम कहाँ पे कर रहे हैं इट इज बेसिकली सेंड एट क्रिटिकल प्रेशर इन टू द बॉयलर एट क्रिटिकल प्रेशर वाटर इज सेंड इन टू द बॉयलर क्लियर तो क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं वाटर के लिए क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है यहां पे आपके पास लिक्विड एज वेल एज जो आपका वेपर फेस है वो को करते हैं एंड दे द सेम डेंसिटी लिक्व एंड वेपर्स दे हैव द सेम डेंसिटी एट क्रिटिकल पॉइंट और जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ए क्रिटिकल पॉइंट की हुई है कि क्रिटिकल पॉइंट द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो आपके पास चाहिए होगा आपको क्रिटिकल पॉइंट वो क्या आता है वो आता है जीरो इट मीन्स आफ्टर वी अटेन देशन इन द वाटर उसके बाद वो वेपराइज नहीं होगा आपका जो लिक्विड है वो क्या होगा वो डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा इट मीन एट क्रिटिकल पॉइंट जब आप क्रिटिकल प्रेशर को टेम्परेचर अटेन को कर लोगे क्लियर उसके बाद उसको आप फर्दर हीटिंग करते हो तो वहां पे होता क्या है कि जो आपका वाटर है एट क्रिटिकल पॉइंट वो डायरेक्टली विदाउट वेपोरेशन कन्वर्ट होगा किसमें स्टीम में क्योंकि वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में हो रहा है इट मीनस हम उसकी बॉइलिंग नहीं कर रहे हैं ये ऑपरेशन हो ही नहीं रही है तो अगर ये ऑपरेशन नहीं होगी तो आपके पास जो तो बबल फॉर्मेशन है वो वहां पर नहीं होगी तो ये जो ड्रॉबैक था लॉन्ग माउंट बॉयलर का वो हमने ओवरकम कर लिया है बॉयलर विद द द द हेल्प ऑफ सप्लाइंग वाटर बॉयलर एट क्रिटिकल प्रेशर तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं अगर वर्किंग की बात करूं यहाँ पे हम एक फीड पंप यूज कर रहे हैं एज यू कैन सी ये जो फीड पंप है ये क्या कर रहा है फीड पंप की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द फीड पंप हम वाटर का जो प्रेशर है वो राइज करवा रहे हैं and we are making sure that before entering into the economizer clear the water has attained at critical pressure wo jo hai wo attain kar le aur iski jo value hoti hai critical pressure ki water ke liye wo kitni hoti hai critical pressure pe critical point pe wo hoti hai 210 220 bar तो at least इतना pressure जो है वो हम feed pump की help से attain करेंगे उसके बाद ही हम water को supply करेंगे into the economizer तो जब वो फ़्लो करेगा इकोनोमाइज़र में एकनोमाइजर एज ऑल ऑफ ऑलोफिनो क्या है बॉयलर एक्सेसरीज़ है यहाँ पे हम तीन एक्सेसरी यूज़ कर रहे हैं एक है आपके पास इकोनोमाइजर एक्सेसरी दूसरी क्या है सुपर हीटर इज अगेन एक्सेसरी और तीसरा क्या है आपके पास एयर प्री हीटर भी क्या है एक्सेसरी है तो आपके पास जो यहाँ पे एकनमाइजर है वो वाटर को प्री हीट करेगा टेम्परेचर को स्लाइटली इंक्रीज़ कर देगा और उसके बाद जो आपका वाटर है वो वहां से निकलेगा और वो कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है it is going in this downward direction and ultimately it enters into what it enters into a radiant evaporator clear okay? to so yahan pe kya hai aapke paas hum do tarah ke evaporator yahan pe use karte hain first one is called what first one is called radiant evaporator radiant evaporator clear और दूसरा जो हम use कर रहे हैं उसके बाद वो क्या है आपके पास वो है convective evaporator. कन्वेक्टिव वेपोरेटर क्लियर तो आपके पास जो रेडियंट वेपोरेटर है उसमें जब वाटर आपके पास आएगा इकोनोमाइजर एकौन, से तो हम उसकी हीटिंग करेंगे गेन द रेडियंट वेपोरेटर और वहाँ पे हम क्या ट्राई करेंगे ऑलरेडी जो आपके पास वाटर है वो कहाँ पे है वो एंटर कर रहा है एट क्रिटिकल प्रेशर तो हमने ट्राई करना है कि विद द हेल्प ऑफ द रेडियंट वेपोरेटर हम क्या अटेन करें वी आर गोइंग टू ट्राई टू अटेन वट you're going to try to attain the critical temperature. Attain करना हमने और जो critical temperature होता है water के लिए वो कितना होता है It is 373.14 degree Celsius. You're going to try and attain this temperature in the evaporator. तो so, जब वो attain कर लेगा clear और यहाँ से वो pass होता हुआ कहाँ जाएगा again? It will enter into the वन मोर वैपोरेटर विच इज नॉन एज वट कन्वेक्टिव वैपोरेटर था वो जब यहाँ पर आएगा अगेन विद द हेल्प ऑफ द फ्लू गैसिज वी अगोंग टू हीट इट क्लियर और इस कन्वेक्टिव वैपोरेटर में क्या करेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में सेचुरेटेड स्टीम में जो है आपका वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सो so यहाँ से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या हो रहेगा सेचुरेट स्टीम रहेगी आफ्टर दैट इट कम्स आउट एज अ स्टीम आफ्टर दैट इट एंटर्स इंटू अटर सो एज यू गाइज कैन सी

टू द प्लेस और द प्राइम मूवर जहां भी हम उसको यूज कर रहे हैं और किस फॉर्म में जाएगा इट विल एंटर इन टू इट इन दम ऑफ सुपर हीटर स्टीम विल बी गिवन टू द प्राइम मूवर दैट वी आरिंग क्लियर सो दिस इट वर्क और इसके ऊपर क्या है प्री फ्री हीटर हम यूज कर रहे हैं जो भी क्या है आपका एक एक्सेसरी ही है जो कि हम जस्ट यूज कर रहे हैं एयर की प्री हीटिंग के लिए तो कोल्ड इज कमिंग इन विद्प ऑफ द ब्लोर गोज इन एंड विद्प ऑफ फ्लू गैसेज वी आर ट्राइंग टू फ्री हीट द एयर

और तो इसमें बॉयलिंग नहीं होती है बिकॉज ऑलरेडी इंटू द ड्रम एट इन टू दर एट क्रिटिकल प्रेशर तो हम डायरेक्टली वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं विदाउट एंटरिंग इंटू देशन ऑफ फेस ऑफ इट क्लियर सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो वट इज द्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर क्लियर एंड इफ यू टॉक अबाउट द डिसर इस बॉयलर की डिसडवाटेज यही है कि इसमें हम लोग साल्टी वाटर यूज नहीं कर सकते हैं सो डिस बेसिकलीट साल्टी वाटर कैन नॉट बी यूज इन बैंसन बॉयलर इन द बसन बॉयलर बिकॉज इसको अगर आप यूज करते हो साल्टी वाटर को तो आपका जो साल्ट है वो ट्यूब्स के अंदर कमलेट हो जाएगा एंड आफ्टर दैट उसको रिमूव करना वहां से टफ हो जाएगा आपकी जो स्टिम्यूशन कीपेसिटी है या रेट है वो कम हो जाएगा तो सॉल्टी वाटर इसको हम यूज नहीं कर पाती है यही रीजन था वी कम बॉयलर तो पहले हमने लॉम स्टडी किया हाई प्रेशर था, उसकी को लॉफलर बॉयर हम इसके बाद पढ़ेंगे लॉफलर बॉयलर जो आपका होगा वो बेंसन बॉयलर की जो लिमिटेशन है उसको ओवरकम करेगा क्या है कि बेनसन बॉयलर में हम लोग साल्टी वाटर को यूज नहीं कर सकते हैं क्लियर So that is all basically about the Benson boiler. And please, guys, if you like the video, please share the video with your friends. And please subscribe my channel that is Mechano Receptor. And please don't forget to subscribe the bell icon here for getting the subscription of the channel as well as for the new videos upcoming videos that I am going to upload. So thank you very much for today. Thanks.